विदिशा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एंड यूनियन द्वारा नीमताल चौराहे 18 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की गई, जिसमें 18 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण करने की बात कही गई। बता दें, इन मांगों में सफाई कर्मचारियों को 2005 पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल की जाए, मध्य प्रदेश नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग, सफाई ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी भर्ती कराई जाए, साथ ही अन्य मांगे भी इसमें शामिल रही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कमल खरे, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कटारे व प्रदेश महामंत्री राजेश सहले मौजूद रहे। हमारा ये प्रदेश लेवल का आह्वान था प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा था। आज हमारा छठवां चरण था मजदूर दिवस को लेकर। मजदूर दिवस के अवसर पर ये सफाई व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ साथ मजदूर दिवस का बहिष्कार करने का हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया गया था, क्योंकि हम लोग जो पिछले कई सालों से हमारे जो सफाई कामगार मजदूर लोग हैं उनकी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन को बाकायदे हम चरणबद्ध कार्यक्रम कर उनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक हमारे संगठन के पदाधिकारियों को या हमारे किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, और इस कारण जो है आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमने सबने पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था बंद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि मजदूर दिवस एक इंटरनेशनल दिवस है और इंटरनेशनल दिवस के अवसर पर ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर शहर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, विदिशा शहर के अंदर सब तरीके से सफाई व्यवस्था संपूर्ण बंद है। हमारा